दिवाली की तैयारियां भी लगभग कहीं ना कहीं हर एक घर में होती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान है तो ऐसे में सब हर कोई सनातनी है और भगवान राम की आराधना करने के लिए पूरा देश तैयार है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्कूल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राम मंदिर है, देखिए राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन क्यों ना हम इस दिन को ऐतिहासिक दिन बना दें। तो नजर उठा के देखिए कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, देश का जो मुसलमान है वो भी राम मंदिर बनने से बेहद खुश है। नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और भारत एट नाइन का नए साल में पहले दिन में ये पहला एपिसोड है और ये एपिसोड पर हम बात करेंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो 22 जनवरी को रखा गया है, लेकिन तैयारियां पूरे देश में जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अयोध्या गए थे दो दिन पहले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस दिन को दिवाली के रूप में मनाएं और दिवाली की तैयारियां भी लगभग कहीं ना कहीं हर एक घर में होती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान है तो ऐसे में सब हर कोई सनातनी है और भगवान राम की आराधना करने के लिए पूरा देश तैयार है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है तो उसको लेकर बहुत सारी बातें भी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस हिंदुस्तान ने इतने सालों इंतज़ार किया अपने ही भगवान को अपना ही घर दिलाने के लिए, वो दिन आ चुका है। लेकिन कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर ये आराध्य का या देखा जाए तो आस्था का प्रतीक होता तो हम जरूर जाते। अब बहस छिड़ी हुई है कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। इस बात को लेकर काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। बीते साल हमने देखा कि राम मंदिर में इसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर ना जाने को लेकर बहुत सारे सवाल देखे जा रहे थे। इसी तरीके से कई ऐसे बयान भी सामने आए जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना ध्यान उस ओर आकर्षित किया। साथ ही साथ कई ऐसे भी बयान आए जिन्होंने जनता का दिल जीत लिया। लेकिन बात होती है उन बयानों की, जिन बयानों ने कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित लोगों को किया है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बयान जिन्होंने कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस देश में हम रह रहे हैं वो राम का देश है, यहाँ पर राम राज्य था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन शायद कुछ लोग ये समझ नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्कूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्कूल एक तरफ तो बात सही है कि स्कूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो शिक्षालय, ज्ञान का मंदिर, स्कूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है कि हमारा धर्म क्या है, हमें धर्म के प्रति कितना ज़्यादा हमारे जो ज्ञान है वो होना चाहिए। साथ ही साथ वहीं से है हमारे गुरु जो हैं ये ज्ञान देते हैं कि भगवान आखिर हैं क्या, भगवान कैसे हैं, भगवान की आस्था कैसी होनी चाहिए, भगवान में आस्था कैसे रखनी चाहिए। साथ ही साथ यही गुरु हमें बताते हैं कि हमारे माता पिता जो हैं वही हमारे भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें जन्म दिया है तो सबसे पहले उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। तो पूजा का जिक्र तो होता ही है। तो ऐसे में एक बयान या ये कहें कि एक पोस्टर पर वॉर जो है आज सुबह से ही देखा है हमने। ये पोस्टर लगाया गया RJD के एक विधायक द्वारा और इस पोस्टर में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा कर रही है। हिंदुओं की आस्था पर भी प्रहार है। दरअसल पटना में पूर्व CM राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की आवाज़ के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। भारत की पहली महिला टीचर सावित्री बाई फुले की जयंती को लेकर ये पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर के बाद RJD विधायक एक बार फिर विवाद में फंस गई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कहा गया है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग है। मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि स्कूल की घंटी बजती है तो संदेश मिलता है कि हम सर्वगुण ज्ञान और वैज्ञानिक प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये मानते होंगे और मेरे से सहमत भी होंगे कि मंदिर में भी हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमारा धर्म क्या है, धर्म क्या कहता है, अधर्म क्या है और आस्था क्या है, भगवान क्या है, तमाम चीज़ें हमें मंदिर में भी मिलती है। तो अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टर कहीं ना कहीं जो है एक तरफ विवाद भी खड़ा कर रहा है तो एक तरफ कई सही चीज़ें भी हैं इसमें, लेकिन इस पर राजनीति करना ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें
तो मंदिर का उद्घाटन जो है 22 जनवरी को होने वाला है। इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसको लेकर करोड़ों भक्त इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को इसका कहीं ना कहीं आमंत्रण मिला है, क्योंकि निमंत्रण को लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद था। अब कांग्रेस, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, मिला है इनविटेशन सोनिया गांधी को भी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, अधीर रंजन चौधरी साहब को, लेकिन वो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अब कुछ भी क्लियर नहीं है। क्योंकि ये कहा जा रहा है अगर वो जाते हैं तो ये होगा कि वो मुस्लिम विरोधी है, नहीं जाते हैं तो ये होगा कि वो हिंदू विरोधी है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस असमंजस की स्थिति में, इस भंवर में फंसती हुई कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जाएंगे। हालांकि राहुल गांधी को अब इन्विटेशन नहीं मिला है, लेकिन कहते हैं ना कि जब शादी का कार्ड भी घर में आता है तो बड़े बुजुर्गों के नाम पर आता है। अब उसमें लेकिन न्योता तो कोई भी चला जाता है, तो क्या राहुल गांधी जाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा बात करें हम ममता बनर्जी की, तो प्रधानमंत्री के लिए उनकी ममता हमेशा से ही देखी गई है। कई सारे गिफ्ट्स ममता बनर्जी जब भी दिल्ली आती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लेके जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ना जाना भी एक वजह है, जाना भी एक वजह हो सकती है। अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो उस भंवर में वो फंसी हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया है कि हम तो भाई नहीं जाएंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। संजय राउत का बयान सामने आया, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट है, राजनीतिक इवेंट है, और अगर यह आस्था से सिर्फ जुड़ा होता तो हम ज़रूर जाते। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिनके पिता ने, बाला साहब ठाकरे का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर बड़ा बलिदान दिया था। कार सेवकों की लिस्ट में बहुत ऊँचे दर्जे का नाम बाला साहब ठाकरे का भी है, और वो तस्वीरें भी ये दिखाती हैं कि राम मंदिर को लेकर कितनी आस्था बाला साहब ठाकरे में थी। लेकिन उद्धव गुट अगर इस बात को मना कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि हम जाते हैं तो भी वो गलत मैसेज जाएगा, नहीं जाते हैं तो फिर वो गठबंधन से कहीं ना कहीं सौतेलापन हो जाएगा और छुरा भूकने वाला काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के मन में, ऐसे राजनेताओं के मन में लगातार बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन राम मंदिर है, देखिए राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन क्यों ना हम इस दिन को ऐतिहासिक दिन बना दें कि देश विदेशों में इसकी चर्चा हो, कि देश ने सब कुछ भूलकर अपने आराध्य इष्ट देव की आराधना के लिए हम एक हो गए, हमने सारे गिले शिकवे, राजनीति और जो भी हमने बयानबाजी की है वो छोड़ दिया और हम आगे होते हुए इस पूरे माहौल को राममय बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तो यही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई जैसी स्थिति होती हुई नजर आती हुई नजर आ रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बात को लेकर बटा हुआ है कि अयोध्या में श्री राम के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना है या नहीं है। डर है कि अगर नहीं गए तो हिंदू विरोधी बताकर हमें घेरा जाएगा, अगर गए तो बीजेपी के हाथों में खेले जाने के आरोप भी हम पर लग जाएंगे। शशि थरूर का बयान तो खैर यही दिखाता है, इसी तरह की विचारधारा दिखाती है। अब आगे ये तय करना है कि हम किस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सीताराम येचुरी तो साफ कह चुके हैं कि हमें आमंत्रण मिला है लेकिन हम इस पर नहीं जाने वाले हैं। सीताराम येचुरी पहले राजनेता थे जिन्होंने प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। 26 दिसंबर की बात है, येचुरी ने कहा कि वह अयोध्या कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने नेतृत्व को अस्वीकार करने का कारण धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण बताया है। खैर बार बार इसे राजनीतिकरण का नाम दिया जा रहा है, लेकिन वाकई अगर आप राम के भक्त हैं तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है कि क्या हो रहा है। अगर आप राम के भक्त हैं तो आप ज़रूर जाएंगे, कुछ ऐसी तस्वीर जो है वो नज़र आती है। अब तय तो इन्हें करना है कि इन्हें जाना है या नहीं जाना है। अब देखिए ये धर्म संकट है या धर्म का संकट है, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। धर्म संकट ये कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, और धर्म का संकट है क्योंकि आपको एक तरफ मुस्लिम को भी देखना है, टारगेट करना है, दूसरी तरफ हिंदुओं को भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कार्ड आपने खेलना है, और देखा गया है बीजेपी का मुकाबला करते हुए कांग्रेस को। तो नाराज़ आप किसी को करना नहीं चाहते, लेकिन आपको देखना होगा, ज़रा नज़र उठा के देखिए कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, देश का जो मुसलमान है वो भी राम मंदिर बनने से बेहद खुश है। बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो कह रहे हैं कि फिलहाल आप धर्म की राजनीति को छोड़ दीजिए, धर्म को छोड़ दीजिए, भव्य राम मंदिर बन रहा है और उस दिन का आनंद उठाइए, उस दिन दिवाली मनाइए, क्योंकि इतने सालों बाद कहीं ना कहीं
ये मौका आया है। देखिए जब राम मंदिर के निर्माण को लेकर लड़ाई लड़ी गई, बहुत लोगों ने इसमें अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए, तो एक तरफ आप इसे एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है उन लोगों के लिए मान लीजिए कि वो श्रद्धांजलि भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। हालांकि ये सपने जैसा ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा। अब जो 2019 में जब आखिर में कोरोना आया, तो कोरोना ने हर किसी के कदम को थाम दिया, देश पूरी तरह से बंद गए, एकदम लॉक हो गए, क्या किसी ने कभी सोचा था? और उसके बाद जब ये फैसला आया, तो कुछ राम मंदिर का भी ऐसा ही फैसला है कि ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा है। और कहीं ना कहीं क्रेडिट बीजेपी ले रही है और बनता भी है। बीजेपी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और बीजेपी सबसे आगे रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो मानव अधिकार है, सबका अपना निर्णय है कि किसको जाना है या नहीं जाना है, लेकिन जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है वो भी उलझन में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्हें मिला है तो वो तो कन्फ्यूजन में है ही, जिन्हें नहीं मिला है वो भी उलझन में है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में शामिल है। एनसीपी समेत जिन दलों को अब तक निमंत्रण नहीं मिला है वो भी उलझन में देखे जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरा मानना है कि बिना भगवान की इच्छा के कोई दर्शन नहीं करने जा सकता, बिना उनकी इच्छा के कोई दर्शन नहीं कर पाता, और भगवान का बुलावा कब कहाँ किसको आ जाए को कह नहीं सकता। सही कहा आपने। शरद पवार भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक या व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, वो कहते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि हमें खुशी बहुत है कि मंदिर बन रहा है, लेकिन जिसके लिए कई लोगों ने योगदान दिया। अगर देखा जाए तो शरद पवार विपक्षी नेताओं के गठबंधन में वरिष्ठ नेताओं में से एक है। हालांकि कई दफा उनका रुख इंडिया ब्लॉक से उतर रहा है, ऐसे में अभी तक उनके अयोध्या जाने की प्लानिंग को लेकर सस्पेंस ही बना हुआ है। हालांकि शरद पवार ने साफ कर दिया है कि उन्हें इस समारोह का आमंत्रण नहीं भेजा गया है। तो आमंत्रण जिन्हें नहीं मिला है वो तो परेशान पशुपेश में है ही, लेकिन है वो भी पशुपेश में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो समझिए, और कहीं ना कहीं राम मंदिर एक बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए। बहुत सारी लड़ाई लड़ी गई है, जो तैयारियां हैं इसके दो एंगल है, एक तरफ तो आस्था का भी और दूसरी तरफ जिस तरह से विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक कदम है विकसित भारत की ओर बढ़ने का। जिस तरह से वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, उससे कहीं ना कहीं हम विदेशों को भी कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्यटन के हिसाब से भी राम मंदिर का निर्माण बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसकी मांग हो रही थी, और आखिरकार वो होने जा रहा है। तो आप सोच क्या रहे हैं? फिर सारे गिले शिकवे छोड़िए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए। जिन्हें आमंत्रण मिला है वो भी, जिन्हें आमंत्रण नहीं मिला है तो घर बैठे, क्योंकि राम तो कण कण में है, आप घर बैठे भी कहीं ना कहीं राम नाम जप सकते हैं और ऐसे जप से तर भी सकते हैं, क्योंकि राम जी ही हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को उतार दिया था। बहुत सारे ऐसे लोगों जिन्होंने रामायण पढ़ी है, जिनको रामायण के बारे में ज्ञान है, वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि उनकी छत्र छाया में कितने लोग जो हैं वो आगे उन्हीं की तरह, जैसे राम जी को कहा जाता था कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो मर्यादा में आगे बढ़ते हुए नजर आए। अब निर्णय क्या लेना है तो नेताओं के हाथ में है, लेकिन सिर्फ राजनीति के चश्मे से इन्हें ना देखें। चुनावी नतीजे प्रभावित होने का जोखिम है या नहीं है, ये बात की बात है। फिलहाल हम सब राम जी के ही भक्त हैं, राम जी के बच्चे हैं, तो आप समझिए इस बात को, और इस माहौल को जो माहौल बना हुआ है खुशी खुशी इसकी तैयारी करिए। आगे तो देखिए लोकसभा चुनाव हो, ये तो आते ही रहते हैं, हार जीत भी होती रहती है। तो आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राम मंदिर में जो आमंत्रण मिल रहे हैं, जो निमंत्रण भेजे जा रहे हैं और जिन्हें नहीं मिला है, उन लोगों को क्या कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहना चाहिए, या फिर सारी कन्फ्यूज़न क्लियर करके राम की तरह मर्यादा के तहत आगे बढ़ते रहना चाहिए।